हे एवरीवन, वेलकम टू सुकन्यास मेकओवर मंत्रा। मैं हूँ सुकन्या। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये मेकअप लुक जो मैंने बिना फाउंडेशन अप्लाई किए और बहुत ही मिनिमम मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करके क्रिएट किया है। सो इन दिस फेस्टिव सीजन या फिर कोई पार्टी हो, आप ये लुक बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं अपने आप पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। सो आफ्टर क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, मैंने अपनी स्किन के ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई किया है। फिर सनस्क्रीन सोक हो जाने के बाद स्किन पे मैं अभी मेकअप स्टार्ट करूंगी। पहले मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर। नेक्स्ट, जो कि मेरी थोड़ी सी डार्क सर्कल्स है तो इसे कवर करने के लिए मैं ऑरेंज कट यूज करूंगी। मैं जो अभी कंसीलर अप्लाई करूंगी तो उसके साथ ऑरेंज कलर मिक्स होके कोई दूसरा शेड ना ले ले, तो इसके लिए मैं लूज पाउडर से ये ऑरेंज कलर को सेट करूंगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर, मेबलिन फिट मी कंसीलर। मेरा शेड है 20 सैंड सेबल। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ ये मेकअप, इसलिए मैं नेक को छोड़ रही हूँ। मगर जब भी आप लोग मेकअप करेंगे तो नेक में ज़रूर मेकअप अप्लाई कीजिएगा, वरना नेक और फेस का शेड जो है वो डिफरेंट लगेंगी तो दिखने में बहुत बुरी लगती है। बस मुझे ये मेकअप में सिर्फ मेरी डार्क सर्कल्स को ढकनी थी और मेरी जो टैन फेसेस थी उसे ढकनी थी, जो डन हो गई है। मैं एक बेस को सेट करने के लिए यूज़ करूँगी लूज पाउडर, जो कि है RCMA का लूज पाउडर। ये थोड़ी सी कॉस्टली है, मगर ये इस पाउडर से बहुत अच्छे से मेकअप जो है वो अच्छे से सेट हो जाती है। आप अगर ज़्यादा देर रखना चाहते हैं चाहे तो रख सकते हैं, मुझे उतनी ज़्यादा बेकिंग की आज ज़रूरत नहीं है तो मैं ज़्यादा देर तक इसे बेक करने के लिए नहीं रखूँगी। अभी मैं इसे डस्ट ऑफ कर दूँगी। पाउडर को हमेशा अच्छे से क्लीन करना चाहिए, वरना अगर पाउडर एक्स्ट्रा रह जाती है तो जब आप फोटो और सेल्फीज खींचेंगे ना तो बहुत अजीब से आते हैं आपके फेस। जो कि नो कलर पाउडर है और ये स्किन को बहुत अच्छे से ड्राई करती है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी शाइन वाला लुक चाहिए मुझे, तो इसकी वजह से मैं और एक लूज पाउडर यूज़ करूँगी जो कि है लैक्मी 9 to 5 नेचुरल फिनिशिंग पाउडर। मैं सेम हाइलाइटेड पॉइंट पर ही इसे अप्लाई करूंगी। और एक पाउडर ब्रश से फिर से इसे डस्ट ऑफ कर दूंगी। नेक्स्ट जो है मैं अपनी आईब्रोज को बनाऊंगी। इसके लिए मैं एक स्पूली से आईब्रोज को कोम करके लिए मैं यूज करूंगी वेट एंड वाइट का अल्टीमेट आईब्रो किट और एक एंगुलर ब्रश से आईब्रो को फिल करूंगी। नेक्स्ट मैं आई मेकअप करूंगी। तो आई मेकअप के लिए मैं बहुत नेचुरल आईज पसंद करती हूँ, और जो कि मेरी हुडेड आईज है तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरी आईज कैसी बड़ी दिखे।
तो इसके लिए मैं आई शेडो पैलेट की कोई आई शेडो पैलेट की यूज़ नहीं करूँगी, मैं अपनी जो कॉन्टोर किट है छोटा सा उससे ही मैं अपनी आई मेकअप करूँगी। तो ये है एलेगल प्रो कंटोर किट। पहले अपनी क्रीज लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। मैं अपनी आई को कोई विंग लुक नहीं दूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने आईब्रो के बाहर आई शेडो नहीं अप्लाई किया है। क्रीज को पहले ड्रॉ करूंगी, फिर एक क्लीन स्मज ब्रश से इसे अच्छे से स्मज कर दूंगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रह जाए और देख के ऐसे ना लगे कि मैंने एक्स्ट्रा कुछ लगाया है अपनी आँखों के ऊपर। अपनी आई लिप्स पे थोड़ी सी फ्रेशनेस देने के लिए और थोड़ी सी आई लिप्स को हाईलाइट करने के लिए मैं अपनी जो ब्लश ऑन है मैं उसी से करूँगी। ये है मेबलिन का ब्लश ऑन। आप देख सकते हैं कि मैं रब नहीं कर रही हूँ, बस डैब मोशन में ब्लश ऑन को सेट कर रही हूँ आई लिप्स पे। अब फिर से वो क्लीन स्मज ब्रश से इसे अच्छे से स्मज कर लूँगी क्रीज एरिया पर बस, ताकि इन दोनों कलर शेड में कोई हार्श लाइन ना रह जाए। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी काजल। मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे क्विकली बैड एज काजल। बस अपनी इनर लैश लाइन को फिल करूँगी, कोई लाइनर वगैरह ड्रॉ नहीं करूँगी। मैं कोई लाइन नहीं ड्रॉ करूँगी, मैं बस लोअर लैश लाइन में लैशेस के बीच जो गैप्स है वहाँ पे ड्रॉ करूँगी डैब मोशन में। ये काजल अप्लाई करूँगी हाफ आईज तक, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट ये काजल फैल ना जाए और इसे एक अच्छी सी नेचुरल लुक देने के लिए मैं फिर से कंटूर पैलेट से डार्क कंटूर शेड लेके एक स्मॉल राउंड हेडेड ब्रश मैं वो शेड लूँगी और आईज के नीचे काजल से के साथ मिक्स करके जस्ट स्मज कर दूँगी। नेक्स्ट लोअर वाटर लाइन पे लैक्मे आइकॉनिक वाइट लाइनर अप्लाई करूँगी ताकि आईज थोड़ी बड़ी दिखे। मैं कोई आई लाइनर अप्लाई नहीं करूँगी, मैं अभी मस्कारा लगाऊँगी। एक आई लैश को पहले कर्ल कर लूँगी। मैं यूज़ करूँगी लॉरियल पेरिस का ये फॉल्स लैश सुपरस्टार। जिन लोगों को फॉल्स लैशेस लगाना नहीं है बस फिर भी फॉल्स लैशेस वाला लुक चाहिए, ये मस्कारा उन लोगों के लिए बहुत बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा फॉल्स लैशेस लगाना पसंद नहीं है। मैंने जब ये मस्कारा खरीदी थी उसके बाद फिर अप्लाई करके तो मैं इसका फ़ैन बन गई। इसमें एक साइड में प्राइमर है और एक साइड में मस्कारा है, तो पहले प्राइमर अप्लाई करूँगी। मगर ये मस्कारा वाटरप्रूफ नहीं है, ये वॉशेबल मस्कारा है, क्योंकि वाटरप्रूफ मस्कारा वॉश करने में रिमूव करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है और लैशेस डैमेज होने की चांसेस रहती है, तो मैं अभी वॉशेबल मस्कारा ही यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी ब्लश ऑन जो कि है मेरे मेबलिन का ब्लश ऑन, थोड़ी सी स्माइल करके। और थोड़ी सी नाक पे तो एक कंटूर ब्रश से मैं पाउडर कंटूर करूंगी, क्योंकि मेरी फेस पे मैं क्रीम कंटूर बहुत कम करती हूँ। हैवी मेकअप के अलावा मैं क्रीम कंटूर नहीं करती, मैं पाउडर कंटूर ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं अभी सिर्फ इसे एक प्लेस किया है कंटूर पाउडर को। अभी मैं इसे एक क्लीन ब्रश से अच्छे से
स्मच कर दूंगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रह जाए और लुक नेचुरल हो। नेक्स्ट मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी जो कि है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर। ये स्मार्ट मेकअप इसलिए है क्योंकि मेरी जो फोरहेड पे टैन एरिया है उसे मैंने कोई ऑरेंज कट नहीं किया है, कोई फाउंडेशन नहीं अप्लाई किया है। जो मैं अपनी फेस को स्मॉल दिखाना चाहती हूँ तो अपनी टैन एरिया पे कंट्रोल कर दिया है, तो एक साथ दोनों काम हो गई है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये स्मार्ट मेकअप है और बहुत जल्दी ये लुक क्रिएट हो जाती है। मेरी फोरहेड पे मुझे लग रही है कि थोड़ा ज़्यादा हाइलाइटर मैंने लगा दी है, तो फिर से एक क्लीन ब्रश लूँगी और थोड़ी सी स्मच कर दूंगी इस हाइलाइटर को। अभी आईज के इनर कॉर्नर पे और अपनी आईब्रो को मैं हाइलाइट करूंगी ये स्मॉल राउंड हेडेड ब्रश से। अभी नेक्स्ट लिपस्टिक जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी की लिक्विड मैट, इसका शेड है विक्शन। कोई भी लिपस्टिक लगाने से पहले अपने लिप को अच्छे से लिप बाम या फिर वेजलिन या फिर कोकोनट ऑयल कुछ भी से आप अपने लिप को मॉइस्चराइज पहले ज़रूर कर लीजिएगा। मैं पहले लिप बाम अप्लाई किया था मेकअप शुरू करने से पहले अपने लिप्स पर। सो माई मेकअप इज़ डन। अभी जो कि मैं शूट के लिए कर रही हूँ तो मैं फिक्सिंग स्प्रे अप्लाई नहीं करूँगी। आप लोग जब बाहर जाने के लिए इसी तरह मेकअप करके रेडी होंगे तो फिक्सिंग स्प्रे ज़रूर अप्लाई कर लेना, तो आपकी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहती है। सो इन दिस फेस्टिव सीजन आप ये लुक ट्राई कीजिए और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये लुक अपने आप पर ट्राई करके कैसा लगा। आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।